तीर्थ यात्रा से भरी हुई बस दर्शन करके वापस लौट रहे थे। पहाड़ी रास्ता था, अचानक से मौसम बदल गया। तेज आंधी तूफान और घनघोर बारिश होने लगी। बिजलियां चमकने लगी। बस के पास आकर बिजली गिरी। सब लोग घबरा गए। बस के ड्राइवर ने कहा, एक परीक्षा करते हैं, हम में एक पापी ऐसा बैठा हुआ है जिसकी वजह से आज हमारी जान पर बन आई है। सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है, सब एक एक करके उतरेंगे, जाकर पेड़ को छू करके आएंगे। जो भी वो पापी व्यक्ति होगा उस पेड़ पर बिजली गिर जाएगी, बाकियों की जान बच जाएगी। सबको सुझाव अच्छा लगा। लोग एक एक करके जाने लगे, डरते डरते पेड़ को छू कर आने लगे। आखिरी में एक सज्जन बचे। सब लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे कि यही वह पापी है जिसकी वजह से आज हम इस चक्कर में फंसे हैं। वो सज्जन गए, प्रभु का नाम लेते लेते डरते डरते पेड़ को छुआ। बिजली गिरी, लेकिन उस पेड़ पर नहीं, उस बस पर गिरी। सारे लोगों की जान चली गई। उस एक पुण्यात्मा की वजह से सब सुरक्षित थे। हम कई बार दूसरों को जज करने लगते हैं, उनके बारे में राय बनाने लगते हैं कि ये ऐसे हैं, वैसे हैं, बुरे हैं। आप लोगों को जज करना बंद कीजिए, लोगों के अंदर अच्छाइयां ढूंढना शुरू कीजिए। आपकी भी जिंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी।